मैं तो डर गई। इन लोगों को जितनी गाली दो ना कम है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो जैसा कि हमने कहा था, इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे, सॉरी मतलब अगले दिन का दोबारा बनाएंगे। जाना सारे इतनी थोड़ी रोड है। तो इस ब्लॉग को हम मतलब सॉरी इसको दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हमारा फिर से वही प्लान है, पहले प्री वेडिंग, उसके बाद हमारा पार्टी का मतलब छोटी सी पिकनिक। और हम जा रहे हैं वहीं जो आपने इससे पिछला ब्लॉग देखा होगा, पानी में गए थे जब हम साइकिलिंग करते हुए पिछले संडे। तो वहीं जा रहे हैं, देखते हैं अभी आगे क्या सीन होता है। कपड़े के लिए मत बोल देना, क्योंकि मैं कल सुबह से आ रखा, मैं यहीं हूँ इसके साथ में, इसके घर पे। तो यही है, मैं घर गया नहीं, उसके बाद आगे करियो की गाड़ी इसको अंदर जाना। तो कल से हम यहीं हैं, इसलिए आज वापस अप डाउन ऐसे ही चल रहा है, शाम को देखेंगे। अब इतना ही बोलना था, क्योंकि कई आ जाते ना, बोलेंगे भाई तूने एक दो ब्लॉग में यही घिसरा। मेरी मर्जी, मेरे कपड़े। ये हो गया अपना पिकनिक का सामान। Here we are in our first location. Location कुछ इस तरीके से अभी दिखाते हैं आपको। रोको, शूट चल रहा है गाइस। हमारा अलग ही मजा हो रहा है अपने इधर। ड्रोन टाइम गाइस। अब मुझे नहीं पता इस वाले व्लॉग में भी आपको ड्रोन शॉट दिखेंगे कि नहीं। बाय बाय। Many hours later. तो guys, हम पहुंच चुके हैं इस पुल पे। ये तो आपको याद ही होगा, जिसको याद नहीं पिछला ब्लॉग देख लेना। और ये रहा, यहाँ से जहाँ से लेफ्ट लेना है। guys, हम जा रहे थे अपनी लोकेशन पे और वो तब से चेंज कर रहे हैं। भाई साहब इतना टाइम हो गया ना, ये देखो ये पागल हो गया। बहुत टाइम लगा दिया यार, 2 बजा दी भाई साहब। इतने आलस लोग कहाँ से आते हैं भाई? ये दिल्ली से। दिल्ली नया छींक मार दे, दिल्ली वाले इतने आलसी नहीं होते कि। लेकिन ये निकले हैं, ये हैं आलसी, पता नहीं क्यों भाई साहब। एक ड्रेस चेंज करने में आधा घंटा, 1 घंटा 45 मिनट लगा दिए भैंस यहाँ। इतने में मुझे अपने घर से आ जाऊँ साला चेंज करके। ये पगला गया यार। सोनू की मम्मी, पहले हमने सैटरडे संडे को साइकिल में की थी ऑफरोडिंग, और आज कार में देख रहे हो, कतई जहर। सो फाइनली हियर वी आर अपनी लोकेशन पे। ये देखो आज थोड़ा पानी गंदा है। तो गाइस फाइनली शूट वगैरह हो चुका है, ठीक है। बस अब यहाँ पे अपना लग रहा है टेंट, मतलब सामान रखने के लिए। जस्ट आप उनकी तरह मत सोच लेना कि इतना छोटा टेंट है, वो बस सामान रखने के लिए। और यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ, इन लोगों को जितनी गाली दो ना कम है। अब बताता हूँ क्यों। एक तो यहाँ पे इतनी गंदगी फैला दी ना इन, ये देखो पीछे, ठीक है। और दूसरा
दारू पीते हैं, बियर पीते हैं, कुछ भी पीते हैं भाई साहब, गंदगी मिलाते हैं। बोतल या तो साइड में रख दो, नहीं फोड़ रखी है बोतल, यहाँ जगह जगह कांच पड़ा हुआ। अब गाली दो, गाली तो हम दे नहीं सकते ब्लॉग में, है ना, वरना मैं इतनी गालियां देता ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, सही में सीरियस बता रहा हूँ। मतलब पिछले हफ्ते आया था मैं, जस्ट पिछले हफ्ते यहाँ पे इतना क्लियर पानी था, पिछले संडे आए थे, और मतलब यहाँ पे एकदम साफ सुथरा था, और अभी आ रहे हैं हम अगले संडे और यहाँ पीछे पूरा एकदम इतना गंदा क्या हुआ भाई साहब। इनके घर में नहीं है क्या होली खेलने को, या कहीं गलियों में खेल लो, यहाँ आने की क्या जरूरत, यहाँ आ रहे तो गंदगी फैला रखी दुनिया भर की, और यहाँ पे अभी भी होली खेल रहे हैं, कल ही गंदगी कर रहे हैं बस। ये देखो जिस चीज की बात मैं कर रहा हूँ, ये देखो गंदगी देखो कैसे फैला रखी है, ये देख रहे हो ये कलर ऐसे फैला रखे, और यहाँ कांच की बोतल भी फोड़ रखी थी साइड में, ये देखो क्या बोले अब, ये देखो इसको भी चाट लेते। यहाँ पे हमारे चल रहा है चिकन बनने की तैयारी चाचा के द्वारा, ये हमारा सामान यहाँ बिखरा पड़ा है, ये डाले जा रहे हैं प्याज वो रहा, टमाटर मसाले प्याज, चिकन कहें के चिकन धुल के आऊँ मैं तब तक, चिकन ऊपर पानी ले लेके जा रहा है भाई जी। हाँ जी कोई तो गाइस चिकन गया, आराम से मैं वो ना पलट जाए, हाथी से कर लो। अब इसमें आएगा तरी मतलब पानी, अब हम यहाँ पर उड़ाएंगे ड्रोन, गाइस ड्रोन ये देख रहे हो, ये चला हमारा ड्रोन, बता दिया तो अभी हमने जस्ट ड्रोन शॉट लिया, बताना जरूर कैसे लगे, ठीक है फर्स्ट टाइम लिया था ये, और हमारा भी चिकन एकदम रेडी हो चुका है, बस हल्की सी तरी है और बाकी अब चावल बनाना है। टाइम 5 बज गए मतलब हाँ 6 बजे तक ही निकल पाएंगे, 5:45 तो 5:45 तक तो लग ही जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है घर पहुँचते पहुँचते वही 6:30-7:30 तो बज ही जाएंगे। और अब यहाँ पे अपना ले रहे हैं अपने चैनल के लिए दूसरा, बाय बाय। और यहाँ पे हमारा चिकन हो चुका है एकदम रेडी, अब इसके बाद चढ़ाएंगे चावल, निकालो फिर इसको अब। चलो गाइस अब हम जा रहे हैं थोड़ा नहाने, टाइम वही 5:11 तो जस्ट नहा के आते हैं थोड़ा सा, उसके बाद देखते हैं फोन ले जा रहे हैं वहाँ पे। हाँ चलो ओ, तो यहाँ पे अपना नहाना धोना हो चुका है और खाना भी बन चुका है, टाइम 5:30 भी हो गए, तो बस अब जाते हैं खाना खाते हैं और उसके बाद घर को निकलते हैं।
ये अभी यहाँ पे चेंज कर, चेंज तो निकाल रहा हो तो हो गया। चल वो पानी की बोतल भी है, पानी भी लेके आए, और अब सीधा खाने पे टूट पड़ते हैं, भूख लग गई बहुत। ये अपना सलाद, ये देखो जरा कांदा। अरे एक कदा ना वो डायलॉग कांदा ये चावल, ओह नहीं जला यार, आप तो कह रहे थे मैंने जानबूझ के जलाया, कहाँ जला रहे। और यहाँ पे अपना निकालेंगे और वो अपना चिकन। चलो भाई खाते हैं फिर मिलते हैं वरना तो। ये हो गया अपना खाना पीना सब, अब ये थोड़ा सफाई होगी और यहाँ पे बर्तन धुले जा रहे हैं, आधे हमने धो दिए, बाकी वो पतीला और कुकर आ गया था वो चाचा ने घिस दिया। अब हम उन लोगों में नहीं है जो गंदगी फैला के चल देते हैं। एक ग्रुप यहाँ पे बैठा हुआ था, इन्हें इस कोने में वो बियर की बोतलें छोड़ रखी है, कुछ सेंस था इस बार भाई, अपने घर के बर्तन भी छोड़ दो उससे बढ़िया है ना, वो भी क्यों लेके जा रहे। बर बर कटा बर, अब इनको भरते हैं उसके बाद निकलते हैं। तो यार जैसा कि मैंने बताया कि अपना खाना वगैरह सब पैकिंग वैकिंग बर्तन धोना ये सब कुछ हो चुका है और टाइम भी काफ़ी हो गया, 6:20 हो गया। बस अब यहाँ से निकलते हैं, घर जाते हैं, अब रेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी घर तो वापस पहले मुझे नकरौंदा जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी गाड़ी वहीं है, तो वो उठा के फिर वापस अपने घर, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और ऐसा ही था आज का हमारा दिन, बढ़िया सा, उनके चक्कर में फिर से लेट हो गई थी एज़ यूज़ुअल। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था प्री वेडिंग शूट में आया, मज़ा आया था लेकिन मज़ा नहीं भी आया, मज़ा वैसे में आया कि हमने इंजॉय किया, और मज़ा इसलिए नहीं आया क्योंकि वो जो थे उनने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था, उन्हें हम 8 बजे का टाइम दे रहे वो 10 बजे पहुँच रहे, उन्हें 10 बजे का टाइम दे रहे वो 12 बजे पहुँच रहे, मतलब 2-3 घंटे लेट कर ही रहे थे। तो खैर छोड़ो, जो हो गया हो गया, अब कुछ कर नहीं सकते। तो एक चीज़ कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर दो, और मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया से वीडियो में। मैं भी अभी अब कॉलेज वाले दोस्तों के साथ एक और दिन का प्लान बनेगा, अब मुझे नहीं पता तब तक ये वीडियो आ जाएगी नहीं आएगी, पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा देख लेंगे। तो मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय। अच्छा जाते जाते तुम्हें वापस पानी दिखा दूँ, अब आप स्टार्टिंग में देखना और अभी देखना, हल्का सा वैसे पानी साफ हो गया लेकिन फिर भी ये देखो कूड़ा साइड में, वो पानी में कूड़ा, पता नहीं कैसे लोग रहते हैं यहाँ। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग।